फरुखाबाद जनविश्वास यात्रा की जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में सूबे में अपराध और अराजकता के साथ ही भ्रष्टाचार का आलम था। डबल इंजन की सरकार आई तो सूबे में अपराधी जेल में हैं और बहन बेटी सुरक्षित हैं। फरुखाबाद पहुंचे योगी आदित्यनाथ और यहां जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि पहले की सरकारों में लगातार अपराध भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, लेकिन जब से डबल इंजन की सरकार आई है अपराध पर लगाम लगा है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, अपराधियों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। हमीरपुर की सदर विधानसभा से चार बार विधायक रह चुके अशोक सिंह चंदेल के जेल जाने के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक की पत्नी राजकुमारी चंदेल चुनावी मैदान में उतर रही है। यमुना पुल पर पहुंचने के दौरान पूर्व विधायक की पत्नी के काफिले के स्वागत में हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचे। समर्थकों ने फूल माला पहनाकर पूर्व विधायक की पत्नी राजकुमारी चंदेल का स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान हाईवे पर जाम रोकने के लिए पुलिस समर्थकों को बार बार रोड से हटाती हुई नजर आई। हमीरपुर की तस्वीरें हैं जहां पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत यहाँ पर किया है। पार्टी अभी निश्चित नहीं है, जैसे होगी हम आप लोगों को सूचित कर देंगे, लेकिन किसी बड़े दल से ही हम। आप चुनाव जीतेंगे तो क्या विकास के मुख्य मुद्दे होंगे? अब ये तो आप जनता से पूछे कि जितने 2.5 साल हमारे पिताजी रहे तो फिर विकास ही हुआ है, उसके अलावा किसी से कोई भेदभाव तो नहीं किया गया, ना किसी जाति धर्म पे या किसी की बरादरी पे कोई काम तो नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ जनता के ही काम किए गए हैं। 2.5 साल में वो क्या कर गए और 2.5 साल में औरों ने क्या किया, अगर आप उसकी तुलना करेंगे तो शायद उसके 20-30% भी नहीं होंगे। लखीमपुर खीरी के विलोबी मैदान में भारतीय सिख संगठन और किसान यूनियन के लोग भारी संख्या में इकट्ठा हुए और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का विरोध किया। बता दें कि बीते दिनों नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 अक्टूबर को हुई बनबीरपुर हिंसा को एक एक्सीडेंट बताकर कहा था कि लोग इस घटना के बाद राजनीति कर रहे हैं, जिसके बाद भारतीय सिख संगठन और किसान यूनियन के लोगों में खासा रोष दिखाई दिया और आक्रोशित भारतीय सिख संगठन और किसान यूनियन के लोग भारी संख्या में विलोबी मैदान में जमा हुए और नितिन गडकरी का जमकर विरोध किया है। इसी तरह सब जिलों में फूका जाएगा। यहाँ के हालात जो इस समय नहीं सही हैं, क्यों यहाँ का वाकया हुआ है, हम भी नहीं चाहते किसी चीज़ को जो है बढ़ावा मिले। आपने कहा हमने एक बार में मान लिया, लेकिन हम अपनी बात कहने के लिए उनके पास जाएंगे भी आगे से, अगर जिस तरह से फीते कटते हैं कहीं भी, यहाँ अपना घर है उनका, मंत्री जी यहाँ पे रहे हैं, उनका घर है, जहाँ जी चाहे जाएं, लेकिन रोज रोज फीते कटेंगे, यहाँ उद्घाटन होंगे तो वो हम लोगों के लिए कल को जो मामला आएगा, हम आज उनके लिए बात करना चाहते हैं, आज तो हम आपके साथ हैं प्रशासन के। सहारनपुर में ब्राह्मण समाज के लोगों की तरफ से कलेक्ट्रेट चौराहे पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी राजन पंडित ने जीतन राम मांझी पर ब्राह्मण समाज पर गलत और अभद्रता का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जीतन राम मांझी के इस्तीफे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसी गंदी राजनीति को उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और अगर इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी तो इसका परिणाम मोदी जी और योगी जी को देखने को मिलेगा। तो आज किसको लेकर विरोध में क्या किया गया? विरोध में किया गया उनका पुतला फूंका गया है, उनका विरोध किया गया है। बुलंदशहर के प्रशिक्षण में महादेवी इंटर कॉलेज खुर्जा के छात्राओं और JAS इंटर कॉलेज के छात्रों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। दोनों कॉलेज के स्काउट और गाइडों की तरफ से प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वीप योजना के अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन कराया गया। रैली में संयुक्त दोनों कॉलेज के स्काउट और गाइड छात्रों ने भाग लिया। बुलंदशहर के स्काउट और गाइड सचिव डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा JAS इंटर कॉलेज खुर्जा ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली का शुभारंभ किया। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज से आधार कार्ड बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होते थे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पैसे लेकर फर्जी आधार कार्ड बनाता था। पुलिस ने आधार कार्ड बनाने के सामान के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है, इसमें SHO लोनी बॉर्डर एवं चौकी प्रभारी इंद्रापुरी इनका मेन रोल है, इसके अलावा जो थाने की टीम थी, इन लोगों ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो कि फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना रहे थे। इनसे काफ़ी हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली हैं। इसमें पूरी कहानी ये है कि एक व्यक्ति है इनकी टीम में जो कि जावेद नाम का है,
जावेद कुछ समय पहले तक आधार कार्ड बनाने का काम करता था दिल्ली में, और इसका जो साला है शहजाद जो कि दिल्ली का ही रहने वाला है वो भी आधार कार्ड बनाने का काम करता है। गाजियाबाद के मोटा इलाके में विदेशी शराब का जखीरा पकड़ा गया। नेशनल हाईवे 58 के पास एक गोदाम में आबकारी विभाग ने छापेमारी की, जहां से नियमों के खिलाफ फुटकर में विदेशी शराब बेची जा रही थी। ये शराब मुरादाबाद में भी सप्लाई हुई थी, जहां पर कुछ आरोपियों को पकड़ा गया और उनसे शराब बरामद की गई है। पूछताछ में उन्होंने गाजियाबाद के इस गोदाम की जगह को बताया, जहाँ पर आबकारी आयुक्त महेंद्र सिंह खुद पहुंचे और छापेमारी करके करोड़ों की शराब बरामद की है। जिला आबकारी अधिकारी गाजियाबाद को और जिला आबकारी अधिकारी मुरादाबाद को यह सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग अवैध रूप से मांगी शराब बेच रहे हैं। ये दोनों लोग लगे हुए थे, तमाम उन लोगों कई लोगों से बातचीत चल रही थी खरीदारी की। उसमें आज 5 पेटी खरीदने में जिला आबकारी अधिकारी मुरादाबाद सफल रहे और उसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछा गया। इस आधार पर फिर वो जिला आबकारी अधिकारी गाजी, चूँकि दोनों लोग मिलकर के ऑपरेशन कर रहे थे, तो जिला आबकारी अधिकारी गाजियाबाद ने फिर जब सूचना मिल गई तो आकर के यहाँ इसको देखा। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत, मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित राष्ट्रहित राष्ट्रहित, किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा सांसद जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। फोन बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे। अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुंच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार जाती है। हम हैं वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल को आप मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे इनसे मौके से थोड़ी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहां पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहां पर शराब के ठेके दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया। तो अपने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी माजा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड, तिलक चावला के साथ, सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। वहीं गोंडा के बजाज कुंदूर की शुगर मिल का पिछला करोड़ रुपए गन्ना भुगतान न होने के चलते नाराज सैकड़ों किसान लामबंद होकर मिल गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। मिल पर गन्ना बेचने आए किसान मायूस होकर लौट रहे हैं। किसान के आंदोलन से बंद पड़ी चीनी मिल का हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, जहां एक तरफ नाराज सैकड़ों किसान लामबंद होकर अपने पिछले गन्ना भुगतान की मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं किसानों का कहना है कि जब तक पिछले गन्ने का बकाया भुगतान नहीं होगा ये धरना यूं ही चलता रहेगा। सर ऐसा है, हमारा ये 26 तारीख में धरना प्रदर्शन इन लोगों द्वारा शुरू किया गया था, परंतु वह बिना परमिशन के धरना शुरू किया गया, बिना सूचना के किया गया, कोई तैयारी नहीं थी, अचानक से धरना शुरू कर दिया गया। हमारी मिल चल रही थी, जिसकी वजह से हमारी चीनी मिल का रास्ता रोक दिया गया, गन्ना आना बंद हो गया, सैकड़ों ट्राली रास्ते में खड़ी हैं, ट्रकें खड़ी हैं, किसान परेशान हैं, उनका गन्ना खेतों में छिला पड़ा है, गन्ने गेहूँ की बुआई नहीं हो पा रही है, वो परेशान है, रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, उनकी लेबर परेशान है, भुगतान की समस्या है, इसके लिए हम सहमत हैं, बिल्कुल समस्या है, परंतु ये प्रदर्शन का तरीका गलत है। आज अवध केसरी सेना और किसान भाइयों के धरने का आज ये चौथा दिन है
और हमारी मांग है ये कुंदुरखी बजाज चीनी मिल जो किसानों का करोड़ों करोड़ों रुपया बकाया भुगतान नहीं कर रही है, 268 करोड़ रुपया इसके ऊपर बकाया भुगतान है किसानों का, और जब तक किसानों का बकाया भुगतान नहीं मिल जाता तब तक किसान भाई यहाँ से हटेंगे नहीं। रात में जो बारिश हुई है आप देख रहे होंगे कि पूरा पंडाल भीग गया है, सारे बिस्तर भीग गए हैं, पूरा मैटी भीग गई है। महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज और प्रताप चिल्ड्रन एकेडमी सिविल लाइंस गोरखपुर में मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र और छात्राओं के जरिए उनके परिवार और समाज के सभी लोगों तक आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी देना है। हमीरपुर के मुस्कुरा थाना क्षेत्र में सीबीसीआईडी के एडीजी देव कुमार एटॉर्नी 2019 में हुए छेड़खानी के मामले में घटनास्थल पर जांच करने पहुंचे, जहां पर पीड़िता के बेटे ने बताया कि 2 साल पहले गांव के एक हिस्ट्री शीटर के साथ उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते हिस्ट्री शीटर शराब के नशे में उसकी माँ के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया, जिसकी रिपोर्ट पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई थी। स्थानीय पुलिस ने जाँच करते हुए मामले को छेड़खानी में दर्ज किया और आरोपी के ऊपर छेड़खानी की धारा लगाकर जेल भेज दिया। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर पीड़ित परिवार ने कोर्ट में सीबीसीआईडी जांच की मांग की है। कोर्ट के आदेश के अनुसार जांच के तहत और एडीजी लखनऊ घटनास्थल का मुआयना कराने आए एडीजी ने घटनास्थल के साथ साथ स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की है। ये वर्ष 2020 में एक मुकदमा अपराध संख्या 14/20 थाना मुस्कुरा पर पंजीकृत हुआ था, जिसमें धारा 354, 323, 504, 506 IPC का अपराध पाते हुए जो तत्कालीन विवेचक थे उनके द्वारा इसमें आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, लेकिन इस विवेचना से जो पीड़ित पक्ष था वो संतुष्ट नहीं था, उसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक पत्र लिखा गया था। उस पत्र के क्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निर्देशित किया था। हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र के नंदौली गांव में खेतों की तरफ जा रहे किसानों पर बाघ ने हमला कर दिया, इसमें 3 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और घटना की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पंजे के निशान देखकर बाघ होने की पुष्टि की और बाघ की तलाश में जुट गई है। हमारे पास 2 व्यक्ति 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाए गए थे, जो किसी जंगली जानवर के हमले से घायल थे, जिसमें एक पुतान सनाफ रामदीन आया था, जिसको सर पे काफ़ी वार किया गया था जानवर के द्वारा, जिसको अपने इलाज के लिए भर्ती कर लिया है, और दूसरा व्यक्ति भी आया था भैयालाल, इसको हाथ में भी काफ़ी चोटों के निशान थे। कैसा जानवर लग रहा है? ये किसी जंगली जानवर का है, चीता टाइप का जानवर था, इसके नाखूनों के निशान से उसको काफ़ी गंभीर चोटें पहुँचाई गई। ये नंदौली गाँव के पास एक जंगली जानवर ने कुछ लोग घायल किया है। ये जंगली जानवर हो सकता है कि हमारे ट्रैकर आ रहे हैं, ये भी पॉसिबल है कि बड़ा तेंदुआ या छोटा टाइगर हो सकता है, अभी ट्रेस नहीं हो पाया है, लेकिन हमारी टीम उसे ट्रेस कर रही है, लोकेट कर रही है, और ये इसने 3 लोगों को घायल किया गांव का। रायबरेली में आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए जिले में लगातार नेताओं के दौरे हो रहे हैं। पहले सपा के अखिलेश यादव, उसके बाद कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने जिले में कार्यक्रम किया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जिले के बशरावा विधानसभा पहुंचे और उन्होंने वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय में लगी सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम मौके पर देखने को मिला। उन्होंने बघेल का फूलमालाओं स्वागत किया और कांग्रेस की जीत के लिए जमकर नारेबाजी की। और वहाँ लौह पुरुष की प्रतिमा का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज बहुत प्रबंध कमेटी ने बहुत अच्छा आयोजन किया और इस धरती से पूरे देश को संदेश गया, नेतृत्व मिला है, निश्चित रूप से आने वाले समय में भी इस प्रदेश के इस निर्वाचन क्षेत्र की महान जनता देश को एक संदेश जरूर देगी। सहारनपुर में एक युवक ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के अनुसार युवक का अपने